तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला में हम बात करेंगे आपके साथ सम इफ फॉर्मूले की। जैसे कि हमने एक से पहला एग्जांपल सॉल्व किया था कि हमारे पास डेटा है, डेटा में नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी और डेट है, और यहाँ पे हमने मंथ वाइज सम निकाला था जिसमें हमने नेम और सिटी एंड ईयर को भी साथ में एज ए फिल्टर यूज किया था। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि मेरे पास ईयर है, मैं इसको बता देता हूँ फिलहाल, मेरे पास ईयर है और ईयर में मैं एक डेट डालता हूं कि जैन से लेकर जुलाई तक या जो भी यहाँ पे मंथ हम डालेंगे उस मंथ के पीरियड का टोटल निकालना है सिटी वाइज। ओके, तो यहां पे जैसे कि हम पहले डेट बनाएंगे 1- और हमने जैन को कंसीडर किया और फिर डैश यहां पे हमने ईयर को कंसीडर किया, तो एक डेट बन गया। ओके, अब सेम प्रोसीजर हम यहां यहां भी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में 1- इसके साथ हम जुलाई को कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम यहां डैश हम कंसीडर करेंगे किसको, लेकिन मुझे जुलाई की पहली डेट नहीं चाहिए, आखिरी डेट चाहिए। अब यहां पे ईओ मंथ लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पे डेट फिक्स नहीं करते क्योंकि हर मंथ का अलग अलग डेट होता है, 28, 29, 30, 31 के बीच में रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे ईओ मंथ लगाया 31 जुलाई। अब यहां हम सिंपल सम इफ्स लगाएंगे, सम इफ्स क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है इसलिए यहाँ पे सम इफ्स लगेगा। सम इफ्स हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे, हम डेटा को यहाँ पे क्राइटेरिया में गए और हमने को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्राइटेरिया नहीं, पहला तो यहाँ पे गलत हो गया ना सर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे सम रेंज क्योंकि सम इफ के द्वारा नहीं चलता है, पहले हमें देना होता है सम रेंज किसका सम करना है आपको, उसके बाद क्राइटेरिया 1 रेंज और फिर यहाँ देना होता है अपनी क्राइटेरिया एंड सेकेंड क्राइटेरिया रेंज हमारा डेट है, क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू और उसके साथ हमने क्या किया, हमने जो डेट कंबाइन किया था उस डेट को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां पे आते हैं वापस अपने डेट को सिलेक्ट करेंगे और इस डेट में फिर वापस यहां पे करेंगे लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हम कंबाइन करेंगे एंड डेट जो जो हमने बनाया करते हैं और यहां पे हम समरी डिलीट भी कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं क्योंकि सर इसका सर बड़ा हो जाता है, इसलिए समरी जहां जहां समरी है वहां डिलीट कर देते हैं, वो सिलेक्ट करने पे आ जाता है, आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो अब इस डेट को यहां नहीं रखना है, कॉपी करते हैं और जहां पे हमने दिया है G5 इसके जगह पे ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं ताकि एक फॉर्मूला बन जाए और फिर यहाँ भी हम सेम काम करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे I5 में ब्रैकेट में इसको पेस्ट कर देंगे, लेकिन नीचे ड्रैग नहीं कर सकते, नीचे ड्रैग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा तब जाके इसको ड्रैग कर सकते हैं। एफएट नहीं, एफएट का फ्रीज नहीं होगा, इसको फ्रीज करते हैं और यहाँ G4 फ्रीज हो जाएगा, G2 फ्रीज रहेगा, तो ये फ्रीज कर देते हैं, I4 फ्रीज रहेगा, G2 फ्रीज रहेगा, पीछे की तरफ ड्रैग करते हैं, रिजल्ट सही है। अब मैं जैन से जुलाई कर दूं या जैन से मार्च कर दूं,
आपका टोटल आएगा। समझ पाए कि नहीं सर? अब मुझे यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो राइट का फॉर्मूला लगाना है इसमें। राइट का फॉर्मूला लगा के इसमें से राइट से एक लीटर अलग करना। राइट से हमने एक लीटर को अलग कर दिया, बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम चूज का फॉर्मूला याद होगा ये डालेंगे। इफ वन है तो यहां पे जैन हर महीने का स्टार्टिंग, हर क्वार्टर का स्टार्टिंग मंथ। तो पहले क्वार्टर में जैन होता है, दूसरी क्वार्टर में अप्रैल होता है, तीसरी क्वार्टर में जुलाई, सेप्टेंबर, अक्टूबर से। इसमें माफ कीजिए, इसमें चूज डालना होगा। ध्यान आ गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि वन डैश फिर वन डैश हमने इस डेट को ले लिया, तो ये क्या हुआ? हर क्वार्टर का स्टार्टिंग डेट आ गया। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं यहां पे हम सम इफ्स, हम देंगे अपना सम रेंज की क्वांटिटी है, क्राइटेरिया वन रेंज हमारा सिटी है, और क्राइटेरिया वन जो है हमारा ये यहां पे पुणे आ जाता है। क्राइटेरिया टू में हमारा डेट है, डेट होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट के साथ हम समरी में हमारा जो क्वार्टर का स्टार्ट डेट है वो ले लेंगे। अब आता है क्राइटेरिया टू रेंज, भी हमारा वही है और क्राइटेरिया टू यहाँ पे हो जाएगा कि लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एन परसेंट देते हैं, ईओ मंथ लगाएंगे। ईओ मंथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि मुझे लास्ट डेट चाहिए ना इसकी क्वार्टर की। तो जैसे कि हमने ईओ मंथ में बताया था कि अगर हम यहाँ पे दो दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जनवरी है, अगर हमने दो दे दिया तो ये मार्च का लास्ट डेट देगा ना, दो महीने बाद का लास्ट डेट देगा, तो क्वार्टर आ जाएगा जैन टू मार्च, ये आपके सामने। इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें कुछ करने पड़ेंगे, जैसे एल सेवन का सेवन फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज ही होगा, और इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करूंगा यहाँ जहां पे हमने कौन सा एल सेवन समरी आपने लिया के एट, ठीक है, इसको फ्रीज करते जाता हूँ। मैंने इसको फ्रीज किया, मैंने इसको फ्रीज किया, मैं के एट का के फ्रीज करूंगा, डेटा को फ्रीज किया हमने, समरी एल सिक्स, समरी एल सिक्स जो है इसको डिलीट करूंगा मैं, इसके जगह पे जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया है ना उसको पेस्ट करूंगा, फिर डेटा हम इसको फ्रीज करेंगे। ईओ मंथ में जहां पे हमने एल सिक्स लिया है इसको हम डिलीट करेंगे, इस जगह पे जो है हम उसका फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। अब मैं इसको आगे पीछे सब जगह पे ड्रैग कर दूंगा तो देखेंगे कि क्वार्टरली रिपोर्ट ईयर वाइज आ गया, ठीक है। आ गया दीपक जी,
डाउट तो नहीं है? नहीं सर, थोड़ा बहुत डाउट है, बताता हूँ कुछ। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोनों क्वेश्चंस की, तीन क्वेश्चंस आ गए हैं, तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर तीन क्वेश्चन समझ में आपको आ जाता है तो चौथा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मतलब कि आप इससे पहले के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। तो ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। विक्की जी। हाँ जी सर। फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। और कल से हम बात करेंगे फॉर्मूले के अगली चैप्टर, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला और बाकी जो फॉर्मूले की कैटेगरी बची है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है सर।